So now we are going to start this pointer. So pointer concept, जैसे मैंने अभी बताया, in the sequential order, pointer comes first and then array comes later on. So we have to be study this pointer. ठीक है, तो pointer क्या होता है? Nothing but an the memory location of some variable. यानी किसी variable का जो address होता है, pointer consists them. तो इस particular जैसे आपके पास screen है, इसमें you can see that कि थिंग्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंटर वेरिएबल एंड देन आई विल एक्सप्लेन सम एग्जांपल. मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा ब्रॉड आइडिया में कि होता क्या है. जैसे कि एक प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम्स आई हैव मेड, यानी एक मेमोरी लोकेशन मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊँगा और एक एक चीज़ जो होता है आप अपने माइंड सेटअप में रखेंगे या नोट करना है तो नोट कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इंटीजर आई इज इक्वल टू 10. सो व्हेनेवर जब मैं एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वेरिएबल के डेफिनेशन में यही होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल मेकिंग ए मेमोरी लोकेशन, यानी एक मेमोरी लोकेशन बनाता है और उसका एक नाम देता है. ठीक, तो कंपाइलर डिज़ाइन में भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो जो सिंबॉल टेबल होता है, जिसकी बात कर रहा था, सिंबॉल टेबल, तो यानी मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सिंबॉल टेबल का होता है. तो जब सिंबॉल टेबल बनता है तो उससे एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है. तो मेमोरी लोकेशन के क्रिएट होने में दो चीज़ें होती है, मेमोरी लोकेशन का एक नाम दिया जाता है और उसका एक एड्रेस होता है. तो जो मेमोरी लोकेशन का नाम या एड्रेस है उसको मैं साइड बाय साइड शो कर रहा हूँ. जैसे मैं एक वेरिएबल आई इज इक्वल टू 10 एक डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, तो हमारे पास देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट. मैं पेन ले लेता हूँ. सो यू कैन सी दैट दिस 10 इज ए वैल्यू, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? आई. ठीक है, अब व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन? दिस इज द एड्रेस. एड्रेस इज 4080. सपोज 4080 इज द एड्रेस ऑफ आई. आई इज ए मेमोरी लोकेशन. ठीक है, नेम टू एन मेमोरी लोकेशन. 10 इज द वैल्यू ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन एंड द मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज 4080. तो इसका मतलब जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उस वेरिएबल का नाम यानी उस मेमोरी लोकेशन का नाम दैट इज आई, एंड देन मेमोरी लोकेशन का वैल्यू दैट इज 10, एंड द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज नोन एज ए 4080. तो इन सब कंसेप्ट को हैंडल करने के लिए ही हमको क्या यूज करना पड़ता है? पॉइंटर के कंसेप्ट को कंसिडर करना पड़ता है. अब जैसे मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ परसेंट ऑफ डी आई, सो इट विल शो 10 वैल्यू. तो सीधी सीधी बात, इसका मतलब है आई जिस मेमोरी लोकेशन का नाम है उसका जो कंटेंट है वो 10 यहाँ रिप्रेजेंट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो आपके पास जो नेक्स्ट है इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो दैट विल बी शो एन एड्रेस ऑफ. एड्रेस ऑफ मीन्स दैट वी आर यूजिंग ए एड्रेस ऑपरेटर. सो लेटर ऑन यू कैन सी दैट ये एम्परसन साइन का मतलब क्या होता है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं. सो यू हियर इज एन एम्परसन साइन आई एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 4080. तो इसका मतलब है 4080 क्या है? इट्स एन मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस ऑफ या एड्रेस लोकेशन ऑफ या एड्रेस वैल्यू ऑफ आई, जहाँ पे आई स्टोर हुआ है. तो उसका हम अगर मैं एड्रेस लोकेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम उसको लिखना पड़ता है. तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? एम्परसन आई. ठीक है, उसके बाद अगर सपोज कर लो फिर से मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जो कि इस स्टेटमेंट के रिलेट करता है, यानी ये जो दो स्टेटमेंट है बोथ आर रिलेट टू ईच अदर. तो इसका मतलब है इफ यू आर यूजिंग दिस वन और आइदर दिस वन, बोथ द स्टेटमेंट विल गिव द सेम रिजल्ट. तो इसका मतलब है देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई का मतलब होता है 4080 एंड एस्ट्रिक ऑफ दिस 4080 मीन्स दैट द वैल्यू एट दैट एड्रेस. तो इसका मतलब है एस्ट्रिक जो हम यूज करते हैं उसका जो हम प्रोनंसिएशन करेंगे या उसका डिस्क्रिप्शन देंगे दैट इज नोन एज ए एड्रेस, सॉरी वैल्यू एट एड्रेस. तो इसका मतलब है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, एक होता है एड्रेस ऑपरेटर और एक होता है एड्रेस ऑपरेटर मीन्स एम्परसन साइन या एंड करके जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, और एस्ट्रिक साइन जो होता है इसको हम लोग होता है वैल्यू एट एड्रेस. तो देखिए यहाँ पे पॉइंटर ऑपरेटर में एड्रेस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एस्ट्रिक. एस्ट्रिक इज नोन एज ए वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर.
इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं. इनडायरेक्शन का मतलब यही है कि इनडायरेक्टली शो द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. तो इसका मतलब है 4080 के मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको शो करना है. तो इसका मतलब है यू आर नॉट डायरेक्टली शो, यू आर इनडायरेक्टली शो. अब देखिए इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन सा है. तो ये जो है ऊपर जो होता है दैट इज डायरेक्टली, यानी ये आप बोलोगे कि दिस इज डायरेक्टली, ठीक है. और अगर आप मैं बात करूंगा कि इसकी, यानी ये जो लाइन आपने यूज किया है तो दैट इज बीइंग एन इनडायरेक्ट. सो ये इनडायरेक्ट मेथड है, यानी ये इनडायरेक्टली. तो इसलिए इस पर्टिकुलर एस्ट्रिक जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द वेरिएबल कि तीन चीज़ें होती है, वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसका वैल्यू और उसका मेमोरी लोकेशन एड्रेस. तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर हम आई को डायरेक्टली यूज़ करते हैं जैसे यहाँ दिया गया है ये, इसको अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ डायरेक्ट मैथड. और अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट तो एस्ट्रिक विल बी यूज. सो दैट्स वाई एस्ट्रिक इज ऑल्सो नोन एज एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर. इट इज ऑल्सो नोन एज एन वैल्यू एट एड्रेस एंड एम्परसैंड इज नोन एज ए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. अब कहते हैं कि मेमोरी लोकेशन को अलग अलग, मतलब मेमोरी को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. सबसे पहला एड्रेस भी बोलते हैं हम लोग इसको. इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट यानी रेफरेंसेस. इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोकेशन एंड इसको हम लोग बोलते हैं सेल नंबर. ऑल आर सेम, द वर्ड आर डिफरेंट. ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा. And now come to the point, next, that is, आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें कुछ चीज़ें दी गई है. All are well, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ important चीज़ें जिसको जानना जरूरी है. जैसे I is equal to 10, I have declared, ठीक है. अब इसको use कर रहा हूँ J is equal to ampersand of I. So, what is this meaning? Meaning is that the address of I is stored in a J. Okay, fine. And next one is एड्रेस ऑफ 23, सो दिस इज नॉट अलाउड. तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, एम्परसेंड साइन विल बी यूज ओनली विद वेरिएबल, नॉट एनी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट एक वेरिएबल आपका होना चाहिए, या फिर आप कॉम्बिनेशन बताएंगे तो वो होना चाहिए. तो एम्परसेंड साइन कैन बी यूज ओनली विथ ए वेरिएबल, विथ ए वेरिएबल. सो दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड. आपको ये ध्यान देना है. तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इट कैन बी अप्लाइड ओनली विथ ए वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल पे ही अप्लाई होता है, मल्टीपल वेरिएबल या कांस्टेंट या एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं होता है. ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्परसेंड साइन का. नेक्स्ट वन इज दैट कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रिंट की बात करता हूँ, ठीक है. सो अगर मैं सिक्वेंशियली ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो बताइए कि ये वाला जो लाइन है व्हाट विल बी द आउटपुट, कोई बताएगा? इस लाइन का आउटपुट क्या होगा? एस्ट्रिक ऑफ जे, जे मीन्स दैट मेमोरी लोकेशन, कंटेन द मेमोरी लोकेशन. एस्ट्रिक ऑफ जे मतलब द वट एवर द मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड इन ए जे दैट वैल्यू. एस्ट्रिक मीन्स वैल्यू एट एड्रेस. सो वैल्यू एट एड्रेस मीन्स इसका जो भी मेमोरी लोक, हाँ, 10. सो आई इज द वेरिएबल, आईज मेमोरी लोकेशन इज स्टोर्ड इन ए जे, जे इज ए पॉइंटर, ठीक है. और उसके जो मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करेंगे. तो उसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो. तो जे इज ए पॉइंटर, एस्ट्रिक आप कहाँ लगाएंगे आपको समझ में आ रहा है? ओनली पॉइंटर वेरिएबल, ओनली दोज वेरिएबल विच हैविंग द एड्रेस ओनली, ठीक है. अब पैंड पॉइंटर वेरिएबल की खास बात होती है कि वो एड्रेस को कंटेन करता है, और नॉर्मल वेरिएबल की खास बात होती है कि वो वैल्यू को कंटेन करता है. तो इसलिए इस दोनों चीज़ों में आपका जो होता है आइडेंटिफिकेशन सेपरेट होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते. आप अगर एस्ट्रिक ऑफ आई अप्लाई करोगे तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आई इज़ ए वेरिएबल, आई इज़ नॉट ए पॉइंटर वेरिएबल, आई इज़ ए सिंपल वेरिएबल. अगर उसमें एस्ट्रिक अप्लाई करोगे तो उसको वो फाइंडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम उस तरह से डिक्लेयर ही नहीं किए. तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एस्ट्रिक किस में लगाएंगे और किस में एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे. सेकेंड वन, एनी वन इज ट्राई. सपोज हमने जे में जो होता है स्टोर किया, उसका जो ये जो 4, 5, 6, 8 है, इट्स इन मेमोरी लोकेशन. तो एस्ट्रिक ऑफ 4, 5, 6, 8 का मतलब क्या हुआ कि द सेल एड्रेस ऑफ 4, 5, 6, 8 वैल्यू विल बी प्रिंटेड हियर.
तो एस्ट्रिक ऑफ 4, 5, 6, 8 आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरह से। अगर आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब है कि वहां पे जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करता है। सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि जो जे का जो वैल्यू है, यानी जो जे है, जे कंटेंट्स इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ कि जे इज इक्वल टू 4, 5, 6, 8, ठीक है, तो ये 4, 5, 6, 8 द वैल्यू ऑफ जे। तो ये अगर जे का वैल्यू है तो इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है और ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो था सेम, 4, 5, 6, 8 और एस्ट्रिक ऑफ जे और एस्ट्रिक ऑफ 4, 5, 6, 8 आर सेम, सो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 10। अब नाउ कम टू द पॉइंट, 4, 5, 6, 8 + 1 दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो इट विल शो द रिजल्ट बट नॉट द 10, इट विल शो द नेक्स्ट अनदर मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब है कि 4, 5, 6, 8 के बाद जो 4, 5, 7, 0 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रिंट द इंटीजर। आपने जो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसीलिए वो जो होता है 2 byte के जंप में ही स्टोर करता है एड्रेस। तो जब भी आप इस तरह से लिखते हो इसका मतलब है 4, 5, 6, 8 + 1 करते हो तो इट विल जंप टू द नेक्स्ट 2 location, यानी 4, 5, 6, 8 + 1 मींस दैट 4, 5, 7, 0 विल बी द आंसर। तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 4, 5, 7, 0, ये होगा इसका आंसर। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखने का तरीका ये है। तो इसमें कुछ बोला है कि सम चेंजेस इज नेसेसरी, जैसे 4, 5, 6, 8 आप डायरेक्ट लिखे हो इसकी जगह आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। जैसे आपने लिया है जे, तो यू कैन यूज जे हेयर, तो आप इसको जे कर सकते हो और यहाँ पे जो प्लस है ये +1, इस तरह से आप नोट कर सकते हो। तो यही चीज़ बोला है कि सम चेंजेस आर नेसेसरी, अगर आप ऐसे चेंजेस करते हो तो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है दीज आर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो एस्ट्रिक कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया, ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ऑल आर अलाउड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एम्परसेंड साइन कब यूज करना है और एस्ट्रिक साइन कब यूज करना है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, हियर इज इन सम डिटेल एग्जांपल्स इज गिवन हियर, सो ऑल ऑफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड टेल मी द वैल्यू। सब चीज़ें यहाँ शो हो रही है, यू जस्ट आंसर द क्वेश्चन। नंबर 1, आई इज इक्वल टू 10, इंटीजर एस्ट्रिक जे, इंटीजर डबल एस्ट्रिक के। ये खास बात है, अगर आप ओनली एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं जो पॉइंटर यूज हुआ है उसका एड्रेस यूज करना चाहता हूँ तो उसका मतलब है मुझे पॉइंटर का लोकेशन यूज करना है, यानी मैं वेरिएबल का लोकेशन नहीं यूज करना है, पॉइंटर का लोकेशन यूज करना है, यानी पॉइंटर वेरिएबल का लोकेशन। देखिए 3 चीजें हो गई, मैंने 2 चीजें आपको बताया। पहला तो हो गया है कि एक वेरिएबल होता है और एक होता है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को अगर हमको रखना है तो वी नीड ए डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर मतलब पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, तो इसका मतलब पॉइंटर का पॉइंटर को हमको यूज स्टोर करना है तो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग से ये रिजल्ट्स आपको आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं ट्रीट। तो इसका मतलब यहाँ देखिए मेमोरी लोकेशन यूज हुआ है, मेमोरी लोकेशन आई इज द एक्चुअल वैल्यू यानी 10 है। अब 10 का जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज 4080, दिस 4080 इज गोइंग टू बी स्टोर हियर। तो इसका मतलब है यू आर यू स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, सो यू नीड ए पॉइंटर, तो जे इज ए पॉइंटर, तो जे क्या है आपका पॉइंटर है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंटर। अब ये इसका जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज 6010, अब ये मैं चाहता हूँ कि ये कहीं और स्टोर हो जाए, तो इसका मतलब है इट्स ए पॉइंटर, तो यानी ये डबल पॉइंटर है, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, तो इसका मतलब है पीपी यानी पॉइंटर ऑफ पॉइंटर मैंने मान लिया। तो इसका मतलब है के इट्स नॉट ए डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन यानी किसी भी वेरिएबल के डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को स्टोर नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है और उसका जो इटसेल्फ जो एड्रेस है वो 5112 है। अब देखिए इसका यूज कैसे हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट इफ, तो जैसे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो दैट विल बी शो द सिंपल वैल्यू 10, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला
10 मिला. सो हियर इज अ 10. अब नाउ कम टू द पॉइंट, I इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ I. एड्रेस ऑफ I मतलब एड्रेस का मेमोरी लोकेशन, मतलब I का मेमोरी लोकेशन है 4080. तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4080 आ जाएगा आपका. तो ये हो गया. अब आ जाते हैं वैल्यू ऑफ, अब ये मैंने आपको समझाया था वैल्यू ऑफ एड्रेस मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका 4080. यहाँ पे आपने लिखा 4080 और उसका जो वैल्यू है, जैसे ये 40 मैंने यहाँ 80 मेंशन किया है, तो ये 4080 जो होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ 4080, वैल्यू ऑफ 4080 क्या है, 10 है. तो हियर 10 विल बी प्रिंटेड. तो आपको समझ में आ गया ये. अब आते हैं इंटरेस्टिंग सा कि अब मैं जे इज ए पॉइंटर वेरिएबल, तो इट विल स्टोर ए एड्रेस ऑफ आई. एड्रेस ऑफ आई इज द वैलिड एक्सप्रेशन बिकॉज I is a variable and the address of I will be stored in a J. J is a pointer variable. ठीक है, किसी भी normal variable में हम address store नहीं कर सकते, सिर्फ pointer variable में ही हम address store कर सकते हैं. अब आ जाते हैं interesting यहाँ पे, आप देखिए address of J. Address of J अगर मैं बात करूँगा तो क्या answer आएगा, कौन बताएगा? Sir, 6010. Very good, 6010. तो एड्रेस ऑफ जे मतलब जे एक वेरिएबल है बट इससे पॉइंटर वेरिएबल. ये वेरिएबल तो है बट इट्स ए पॉइंटर वेरिएबल. जैसे ही मैं किसी वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बोल रहा हूँ, इट मींस दैट इट ओनली कंटेन्स द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन. यानी वो कोई भी एड्रेस हो वो स्टोर करता है, नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं करता. अगर मान लो उसकी वैल्यू को भी एक्सेस करते हो तो वो वैल्यू जो होगा वो एड्रेस होगा, ना कि कोई वैल्यू होगा. तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, एड्रेस ऑफ जे. एड्रेस ऑफ जे का मतलब होता है कि इट विल बी द एड्रेस ऑफ जे. तो जे इज ए पॉइंटर वेरिएबल और उसका एड्रेस है 6010. तो यहाँ आपने उसको प्रिंट कर दिया. अब आ जाते हैं वैल्यू ऑफ जे. अब आ जाते हैं जे का वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करोगे आप? यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये होगा जे, आप इसको जे कर लेंगे. सो दैट इज जे. तो जे इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, मतलब सॉरी वैल्यू ऑफ जे. वैल्यू ऑफ जे इसका मतलब है क्या होगा, बता सकते हो कोई? वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. तो इसका मतलब है कि जे का जो वैल्यू है 4080 है. इससे मतलब नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, बट इट्स अ वैल्यू, बट इट्स एन एड्रेस वैल्यू. बट किसका है उससे मतलब नहीं है. हमारा मतलब है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि जे की वैल्यू को प्रिंट करना है. तो दैट इज 4080. अब नाउ कम टू द वन नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ जे. अब देखिए वैल्यू ऑफ जे को लिखने का तरीका क्या है. तो वैल्यू ऑफ जे यानी इसका मतलब है एड्रेस ऑफ जे. एड्रेस ऑफ जे क्या है बताइए? अगर मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये अगर मैं अलग कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एड्रेस ऑफ जे. सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ जे? सो यू कैन से दैट एड्रेस ऑफ जे इज 6010. ओके, एंड नाउ कम टू द पॉइंट, वैल्यू एट एड्रेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रिक. Means you are put a asterisk here. So बताइए अब क्या आएगा, यानी 6010 का. हाँ, समझ में आ गया सबको कि 4080 is going to be printed, but the expression will be here in that form. तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है और ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, both are same but representation are different. So then the value of this one is same as this one. जो आपका ये है 4080, यही value इसको मिलेगा. Okay, fine. अब come to the next level of pointer. I am going to use that pointer K. But K directly cannot directly store the I. अगर आप यहाँ पे address of I लिखोगे, it will be wrong. कोई बता सकता है क्यों? अगर मैं k इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i लिखूंगा, दैट विल बी करेक्ट और रॉन्ग? सर रॉन्ग होगा, क्योंकि i की वैल्यू j ने होल्ड किया है और j के एड्रेस को k ने होल्ड किया है, वो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है. एक्चुअली द ओनली द थिंग इज दैट यू वट एवर यू हैव डिक्लेयर, दैट इज द मेन थिंग. आपने k को डबल पॉइंटर की तरह डिक्लेयर किया है. अगर आपने सिंगल पॉइंटर डिक्लेयर किया होता है, यानी फर्स्ट लेवल पॉइंटर अगर आपने डिक्लेयर किया होता है, एक एस्ट्रिक से डिक्लेयर किया होता, तो इट विल होल्ड द वेरिएबल एड्रेस. बट आपने इसको दो एस्ट्रिक से डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है आपने डबल लेवल पॉइंटर डिक्लेयर किया है. तो डबल लेवल पॉइंटर जो होता है कभी भी किसी
वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता, वो हमेशा एक पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि के जो होता है वो डबल लेबल के पॉइंटर को स्टोर नहीं कर सकता, वो सिंगल यानी फर्स्ट लेबल के जो पॉइंटर होता है उसको स्टोर कर सकता है। तो सोचिए कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको रखना है, ये सिम्बॉल टेबल यूज़ करता है, अपने आप में मैनेज करता है कि आप कोई गलती ना कर बैठो। और डबल लेबल पॉइंटर सिंगल लेबल पॉइंटर को स्टोर करता है, और सिंगल लेबल पॉइंटर जो होता है वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सो हमें जो होता है के में आप एड्रेस ऑफ जे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है जे इज ए सिंगल लेबल फर्स्ट लेबल पॉइंटर है, इसके एड्रेस को मैं स्टोर किया। अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट आ रहा है, कोई बता सकता है इसमें कौन कौन सा आउटपुट आएगा? के का क्या आएगा, एड्रेस ऑफ के का क्या आएगा, एस्ट्रिक ऑफ के का क्या आएगा, एस्ट्रिक एंड एब्सेंट ऑफ के। चलिए ट्राई कीजिए, 1, 2, 3 and 4, just try it. मैं के प्रिंट कर रहा हूं तो के क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट के प्रिंट कर रहा हूं तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ क्या है, के 6010 6010। पहला हो गया, मैंने आंसर बता दिया। दूसरा क्या आएगा, एड्रेस ऑफ के मतलब 5112 5112 5112। थर्ड वन एस्ट्रिक ऑफ के, हाँ एस्ट्रिक ऑफ के का मतलब होता है 6010 6010 नहीं गलत 6010 का जो वैल्यू है, यानी 6010 मतलब किसका मेमोरी लोकेशन है, जे का मेमोरी लोकेशन है, 4080 आएगा, 4080 आएगा। तो इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, तो इसका मतलब एस्ट्रिक ऑफ के का मतलब होता है वैल्यू एट 6010। बताइए क्या होगा, इंटरप्रेट करने का तरीका है, वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक ऑफ के मींस वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के मतलब, वैल्यू ऑफ के मतलब क्या हुआ कि एस्ट्रिक जो होता है वो 6010 का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो 6010 किसका है, यानी के का वैल्यू है, एस्ट्रिक ऑफ के का मतलब होता है वैल्यू एट 6010। तो क्या है, 4080 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एस्ट्रिक ऑफ एड्रेस ऑफ के, 6010 सर 10 6010 सर 10 6010 नहीं आएगा। अब इंटरप्रेट करना है, मैंने क्या बोला है, हाँ के, के का एड्रेस क्या है, नहीं पहले देखो क्या होता है, इंटरप्रेट करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ के, एड्रेस ऑफ के क्या है, विवेक ने जो बोला सही बोला है, 5112। हाँ 5112, उसका वैल्यू क्या है, 6010 6010। वेरी गुड, तो 6010 इज द आंसर। समझ में आ गया, लिखने का तरीका होता है सब अलग अलग है, बट उसको इंटरप्रेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि एड्रेस ऑफ के, जैसे आपने लिखा है एड्रेस ऑफ के, एड्रेस ऑफ के का मतलब होता है 5112, तो वैल्यू एट 5112 तो 6010। तो आपको समझ में आ गया लिखने का तरीका, तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले समझाया था ये और ये दोनों सेम है, क्लियर है लिखने का तरीका क्या है। नेक्स्ट वन जस्ट ट्राई इट, पहला क्या होगा, 10 फर्स्ट इज 10 सेकेंड 10 4080 सेकेंड क्या होगा, 10 होगा, सेकेंड इज 10। देखो एड्रेस ऑफ आई, अगेन यू आर इंटरप्रेटिंग रॉन्ग, एड्रेस ऑफ आई मीन्स 4080, तो एड वैल्यू एट 4080 क्या है आपका, 10। फिर आगे एस्ट्रिक ऑफ जे, एस्ट्रिक ऑफ जे मतलब 6010, हाँ वैल्यू एट 4080, तो 4080 का वैल्यू क्या है, 10 10 10। आप समझ में आ रहा सबको, यस सर। अब इंटरप्रेट कीजिए, इसको अलग अलग इंटरप्रेट करना है लेवल बाय लेवल, एंड एंड जे, एड्रेस ऑफ जे, एड्रेस ऑफ जे क्या है, 6010, उस पे आप अब ये वाला कंसीडर करोगे, यानी एस्ट्रिक के साथ एड्रेस ऑफ जे,
तो एस्ट्रिक के साथ एड्रेस ऑफ जे का मतलब होता है वैल्यू एट 6010। क्या होगा वैल्यू वैल्यू एट 6010 क्या है? वैल्यू एट 6010 4080। वेरी गुड। एंड देन 4080 का वैल्यू क्या है? 10। सो द व्हाट विल द आंसर? आंसर इज 10। दिस इज नोन एज एन इंटरप्रिटेशन। आप इस तरह से इसको इंटरप्रेट करोगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, वन बाय वन इंटरप्रेट कीजिए। पहले एस्ट्रिक ऑफ के, एस्ट्रिक ऑफ के मतलब वैल्यू एट के मतलब 6010। तो वैल्यू एट 6010 मतलब क्या है? 4080। एंड देन वैल्यू एट 4080 मींस 10। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 10। Now come to the one again. Address of K. What is the address of K? 5112. Value at 5112? 6010. ये हो गया एक लेबल. And then value at 6010? 4080. And then value of 4080? 10. देखिए 10 को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सारे तरीके यूज किया हूँ। सो दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलिंग बाय यूजिंग पॉइंटर। सो आई थिंक सो कि यू अंडरस्टैंड द वेरिएबल कि हाउ द पॉइंटर इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन या हाउ द पॉइंटर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? उसके पहले वाला है वो 10 कैसे आया? कौन सा? डबल एस्ट्रिक के। डबल एस्ट्रिक के। चलिए मैं क्या बोला, के के जो होता है आपका एक वेरिएबल है यानी पॉइंटर वेरिएबल है। तो एस्ट्रिक ऑफ के का मतलब होता है वैल्यू एट के, मतलब के का वैल्यू जो क्या है 6010 है। तो वैल्यू एट 6010 क्या होगा? 4080। 4080। और 4080 का वैल्यू क्या होगा सर? वो कहां दो ठो की दो नहीं है, पहला स्टार के का मतलब क्या है? स्टार के 6010। नहीं, मैंने क्या बोला, स्टार के, के का मतलब होता है कि एस्ट्रिक अलग है। सो यू आर सेइंग दैट वैल्यू एट के यानी वैल्यू एट 6010 ये मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा वैल्यू एट 6010? 4080। अब नेक्स्ट एस्ट्रिक पे चलिए, तो वैल्यू एट 4080 क्या होगा? 10। समझ में आया? सबसे पहला यहाँ के बदले में 6010 लिखना है, उसका वैल्यू यानी क्या हो गया 4080। 4080 का एस्ट्रिक का मतलब होता है कि 4080 मेमोरी लोकेशन का वैल्यू क्या है? 10। अब समझ में आया? जो भी चीजें है उसको इंटरप्रेट करना है। अगर के के आगे एड्रेस लगा है तो के का एड्रेस होगा, अगर के डायरेक्ट लिखा है तो के का डायरेक्ट वैल्यू होगा। यस सर। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इसमें स्लाइट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैंने क्या यूज किया है? एड्रेस यूज किया है। तो इसके बाद इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, तीन एस्ट्रिक लगाना पड़ रहा है। नहीं तो फिर ये लिखता तो मैं दो एस्ट्रिक से मेरा काम चल गया। अब मैं पहले 5112 को रीड किया, फिर उसके बाद 6010 को रीड किया, फिर इस तरह से हमारा बैकवर्ड ये चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से हमारा जो होता है डायग्राम जो होता है इस तरह से ट्रैवर्स कर रहा है और ये यहाँ आके रुक रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस कि हम किसी पॉइंटर को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इज वेरी वेल। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं आप देख लीजिए, फाइनलाइज करते हैं इसको कि क्या होता है। तो एंड यानी एम्परसेंड इज यूज फॉर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। देखो बोलने का तरीका जो होता है उसी को ही अगर आप एक्सप्रेशन के साथ अटैच करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो एड्रेस मींस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एस्ट्रिक मींस वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। सो बोथ आर नोन एज ए पॉइंटर ऑपरेटर। और दूसरा जो होता है कि जो यहाँ वेरिएबल डायरेक्ट हम यूज करते हो उसको हम इनडायरेक्टली इस तरह से यूज करते हैं, यानी दो एड्रेस ऑफ वेरिएबल एंड एस्ट्रिक लगा के भी। तो बोथ आर सेम।
एंड पॉइंटर्स आर वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स. तो इसका मतलब है कि पॉइंटर्स एक ऐसा वेरिएबल होता है, अगेन इट्स एन वेरिएबल बट इट्स नोन एज अ पॉइंटर वेरिएबल, बट विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. या तो वो हो सकता है कि कोई वेरिएबल होगा या तो फिर वो कोई एक पॉइंटर होगा. तो इसीलिए उसको हम लोग जो होता है कि पॉइंटर इज ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल मेमोरी लोकेशन. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, इस चीज़ को आप इंटरप्रेट कर सकते हो. आई इज इक्वल टू 10 एस्ट्रिक ऑफ आई डबल एस्ट्रिक ट्रिपल एस्ट्रिक फोर लेग. तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको फोर लेवल ऑफ पॉइंटर डिफाइन किया गया. फर्स्ट लेवल ऑफ पॉइंटर एस्ट्रिक जे, सेकंड डबल लेवल ऑफ पॉइंटर एस्ट्रिक के, एस्ट्रिक एल जो होता है ट्रिपल लेवल, एंड फोर लेवल का पॉइंटर ये होता है. देखिए कोई भी चीज़ जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होता है. जैसे जे कंटेन द वेरिएबल पॉइंटर यानी वेरिएबल का एड्रेस रखता है जे, फिर जो होता है के का जो एड्रेस है, के में जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट लेवल पॉइंटर का एड्रेस होगा. फिर उसके बाद जैसे कि ये एल है, ये आई नहीं है, दिस इज़ एल, सो दिस इज़ एल. सो एल जो होता है ये जो होता है डबल सेकंड लेवल पॉइंटर के एड्रेस को रखता है. एम कंटेन द अगेन इट्स इन रॉन्ग, दैट इज़ एल जो होता है इसको हम थर्ड लेवल पॉइंटर को स्टोर करता है. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है.